लेक्चर शुरू करते हैं। नाउ व्हेन क्लास एफ आई इज गिवन, बराबर क्लास एफ आई दिया होगा तो सबसे पहले चीज क्या फाइंड करनी है, फाइंड सी एफ आई। सी एफ आई कैसे फाइंड करना है मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, आप साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नाउ उसमें एम क्या, एम की फॉर्मूला क्या होगी, अभी एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, याद रखना जब क्लास दिया हो इक्वल और नॉट इक्वल आपको इधर एन अपॉन टू होगा, जब एक्स आई दिया हो एक्स आई एफ आई दिया हो तब क्या होता था एन प्लस वन होता था, लेकिन अब क्या हो गया एन अपॉन टू हो गया, क्लियर, ओके। नाउ सी इन सी एफ आई, सी इन सी एफ आई, ओके, अभी क्या उसके बाद एक फॉर्मूला है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी, ठीक है, ये पूरी मीडियन फाइंड करने का पूरी मेथड है, ठीक है। पहले एन अपॉन टू करोगे, जो आंसर आया वो सी एफ आई में देखोगे, उसके सामने का जो क्लास होगा जो प्रोसेस है वो बाद में सिखा रहा हूं, लेकिन उसके बाद ये फॉर्मूला करनी है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। देखो मैंने इधर तक ही अपॉन किया है, एल के अपॉन में नहीं है, क्लियर, इधर कोई डाउट हो तो वो ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है सर। यस, कौन, पार्थ, यस सर, पार्थ, हाँ सर, ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करनी है जब हमें सी एफ आई फाइंड करना हो, नहीं जब क्लास दिया हो तब, क्लास एंड एफ आई, ओके। नाउ क्यू क्यू जे जे एन अपॉन फोर, इधर भी प्लस वन चला गया बिकॉज क्लास है, ठीक है, जे एन अपॉन फोर, जे मतलब वन टू थ्री वो हमें पता है वो आ सकता है, ओके। नाउ सी इन सी एफ आई एल प्लस जे एन अपॉन फोर माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी, ठीक है, ये भी सेम क्लोज, जो आंसर आता है वो सी एफ आई में देखो, उसके बाद एक प्रोसेस है वो करने के बाद ये फॉर्मूला यूज करनी रहेगी आपको, क्लियर, एनी कंफ्यूजन एनी वन, ओके। जे वाली फॉर्मूला एक बार बताओ ना, कौन सी वाली, क्यू वाली, यस, देख जे एन अपॉन फोर तो कॉमन, ये फॉर्मूला लिख ले, कैसे यूज करना है वो मैं सब में बताऊंगा आपको, वो तब ज्यादा पता चलेगा आपको, ओके। नाउ डी जे जे एन अपॉन टेंथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डी जे एन अपॉन टेंथ ऑब्जर्वेशन, अभी इसमें भी प्लस वन चला गया, सी इन सी एफ आई एल प्लस जे एन अपॉन टेन माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी, करेक्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो इधर एन अपॉन टू था, इधर जे एन अपॉन फोर, इधर जे एन अपॉन टेन, वही डिफरेंस आ रहा है और कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। पी जे, इधर बी में कौन से नंबर होंगे, वन टू नाइन, वन टू नाइन, पी में कौन से होंगे, जे एन अपॉन हंड्रेड, मतलब जे में कौन से नंबर आ सकते हैं, वन टू हंड्रेड, वन टू नाइनटी नाइन, नाइनटी नाइन, ओके। सी इन सी एल प्लस जे एन अपॉन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, सम करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसका मैं फोटोग्राफ भी आपको ग्रुप में भेज रहा हूं, हो गया सबका, किसी का बाकी हो तो वो ऑडियो ऑन करके बोलो, वरना सब लोग मत बोलना, किसका बाकी है सर, एक मिनट, सर पीजे लिख रहा हूं, सर पीजे लिख रहा हूं, हाँ मैंने ग्रुप में भी आपको फोटोग्राफ भेज दिया है,
डन। ओके नाउ सम कर रहे हैं क्लास एंड एफ आई। टेन टू ट्वेंटी, एक मिनट वेट करना, मैं बोलू तब लिखना। ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन, थर्टी टू थर्टी नाइन, फोर्टी टू फोर्टी नाइन, फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन, सिक्सटी टू सिक्सटी नाइन, सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन, एटी टू एटी नाइन, नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन, लिख लो, इतना लिख लो, क्लास है। ठीक है, एफ आई 46, 49, 54, 57, 60, 55, 51, 43। फाइंड क्या करना है वो मैं नीचे लिख रहा हूं, फाइंड एम क्यू थ्री डी फोर पी 77। क्वेश्चन सबने लिख लिया, सबके पास होपफुली कैलकुलेटर होगा अभी। ओके नाउ फर्स्ट स्टेप सीएफआई, मैं जो सीएफआई मैंने आपको सिखा दिया लास्ट लेक्चर में, ठीक है, मैं जिसको बोलू वही आंसर देगा। माही माही, यस सर, बोलो सीएफआई कैसे फाइंड करोगे? पहला क्या होगा? फर्स्ट 46, यस 46, फिर 46 प्लस 49, 95। अभी डायरेक्ट आंसर बोलो मुझे। 146, 363, 253। 266 प्लस 60 है, 321, फिर 372, और फिर 415। इसका टोटल भी 415। थैंक यू भाई, क्लियर? एक मिनट, ओके। पर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ हाँ, एक मिनट, ओके चलो। अब क्या होगा, एम फाइंड करना है। एम इज इक्वल टू एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है हमारा? 415, 415 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके एक मिनट, यस 415 अपॉन 2 क्या हुआ? 207.5 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट करेक्ट। अभी ये कहां पे देखना है? सी इन सी एफ आई, सी इन सी एफ आई, एक मिनट, ओके सी इन सी एफ आई, सी एफ आई में चेक करो कहां पे आएगा? 206 के बाद, 206 के बाद मतलब 266, उसके सामने का क्लास क्या है? 62, 69। ये पता चला? किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ये क्लास कैसे है? के 207.5 है तो 206 के बाद कौन सा क्लास? 266, उसके सामने का क्लास, करेक्ट। किसी को कंफ्यूजन? यस पार्थ सर, इसमें आपने 60 to 69 लिया, वो तो आपका समझ गया मैं कि भाई 266 नीचे तो उसके सामने वाला जो भी होगा एक्स आई, वो हमारा आंसर होगा। एक्स आई नहीं, आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं मिला,
अभी तो हमने सिर्फ 25% ही कंप्लीट किया है, हमने सिर्फ क्लास सिलेक्ट किया। ओके ओके सर ओके। नाउ अभी देखो, ध्यान रखो, मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से देखना, ये नंबर और ये नंबर सेम है नहीं? सर 29 है और इधर 30 है, तो सेम कैसे हुआ? तो सेम नहीं बोल सकते, ठीक है? तो इसको सेम करना पड़ेगा, जब भी ये दोनों नंबर अलग अलग हो, ओके, एक का वन का डिफरेंस हो, वन का कितने का, वन का डिफरेंस हो, तब क्या करना है, आगे वाले में से 0.5 माइनस करो तो 59.5, और पीछे वाले में से 0.5 प्लस करो तो 69.5। वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना, इधर 20 to 29, इधर कौन सा नंबर है 30, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है, कितने का, वन का डिफरेंस। तब क्या करना है, जो भी क्लास सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी क्लास सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें आगे वाले में से 0.5 माइनस करो और पीछे वाले में से 0.5 प्लस करो, ओके? और अगर इधर 30 होता, इधर 30 होता, तो ये करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। इधर कंफ्यूजन हो तो वो बोलो, बाकी सबको पता चल गया है, मैं समझ लूंगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके नाउ अभी फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी, करेक्ट? ओके अभी एल क्या होगा, जो लोअर बाउंड्री पॉइंट, एल का मतलब क्या है, लोअर बाउंड्री पॉइंट, जो क्लास सिलेक्ट करते हो उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट, दैट इज 59.5 प्लस एन अपॉन टू, तो ऊपर मिला हमें कितना है ये 207.5। अभी वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो क्लास सिलेक्ट करो उसके ऊपर का CFI और जो क्लास सिलेक्ट करो उसके सामने का FI, मतलब ऐसे पॉइंट में हमें लेना है, जो क्लास सिलेक्ट किया उसके ऊपर का CFI कौन सा है 206, तो माइनस करोगे, और जो क्लास सिलेक्ट करते हो उसके सामने का FI वो कौन सा है 60। ओके अभी इंटू सी, इंटू सी का मतलब क्लास डिफरेंस, ठीक है? देव, क्लास डिफरेंस कितना है सर? 10 का। कैसे पता चला? ऑलवेज ऐसे चेक करो, मैंने आपको सिखाया हुआ था, मीन करा तब सिखाया, क्लास डिफरेंस ऐसे चेक करो कितना है, 10 का डिफरेंस, तो इनटू 10, करेक्ट? किसी कोई कंफ्यूजन? सर ये वाला स्टेप एक बार बताओ ना फिर से। एल क्या हुआ, एल हमारा 59.5 मतलब लोअर, जो क्लास सिलेक्ट करते हो उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट, क्लियर? प्लस एन अपॉन टू, इधर लिखा हुआ ही है एन अपॉन टू, हमारे पास है 207.5। ओके अभी CFI और FI कैसे सिलेक्ट करना है, जो क्लास सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर का CFI और जो क्लास सिलेक्ट करते हो उसके सामने का FI, क्लियर? ओके और क्लास डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट चेक करो सबके, 20 to 29 तो 9 ही मिलेगा आपको, बट 20 to 30 कितना होगा, 10, वो सही आपका आंसर है 10। ओके ओके नाउ 59.5 पहले माइनस करो, 207.5 माइनस 206 दैट इज 1.5 अपॉन 60 इनटू 10, 1.5 अपॉन 60 इनटू 10 करोगे 0.25 प्लस 59.5 दैट इज 59.75। ओके लिख लो, पॉइंट फाइव को पहले 60 से डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई बाय 10 किया। हाँ नहीं कोई भी कर सकते, पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाकी है किसी का? कोई आंसर नहीं मिला, नहीं रब कर रहा हूं मैं सर। हाँ सर ये FI का पता नहीं चला, वो कैसे? वापस समझा रहा हूँ, समझ ले, ये क्लास कौन सा सिलेक्ट किया तूने, 60 to 69 किया, क्लास कौन सा सिलेक्ट किया वो पता चला, क्लास कैसे सिलेक्ट करना है?
ठीक है हाँ हाँ अभी उसके ऊपर का सी एफ आई 60 के 69 के ऊपर का सी एफ आई क्या है 206 और 60 के 69 के सामने का एफ आई क्या है तो वो 206 और 60 क्लियर ओके ओके मैं रब कर रहा हूं चलो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है क्यू थ्री तो थ्री एन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्री एन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो थ्री एन क्या है 415 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन 315 ऑडियो मत ऑन करना मैं पूछू वही आंसर देगा क्योंकि क्या है फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना तो फिर वो प्रॉब्लम होगा चलो मुझे ओ कौन सा क्लास सिलेक्ट करना है वो बोलो ओम ऑडियो ऑन करो तो ही पता चलेगा सर वन मिनट हाँ कौन सा सर क्लास सिलेक्ट करना है थ्री सर नंबर बोलो ना दिखाई नहीं दे रहा 311.5 सर वो हाँ बोल 272 है ही नहीं 72 79 परफेक्ट सी एक चीज समझो आप साथ में करोगे ना तो भी ये पता चल जाएगा इतना डिफिकल्ट नहीं है इसलिए कैलकुलेटर खुद के साथ रखो ओके अभी इसमें 0.5 माइनस करना पड़ा 69.5 टू 79.5 फॉर्मूला क्या है एल प्लस 3n अपॉन 4 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी पार्क ऑडियो ऑन करो यस सर एल क्या होगा एल एक मिनट सर एल ये अपना 69.5 वेरी गुड 3n अपॉन 4 तो सर वो 3 × 415 अपॉन 4 नहीं नहीं ऊपर लिखा हुआ है ये लिख लेना 311.25 डायरेक्टली लिख हाँ ओके हाँ हाँ सर ये क्या होगा एक सेंट सर सी एफ आई अपना 266 परफेक्ट और एफ आई 55 वेरी गुड और सी सी सर अपना 10 परफेक्ट वेरी चलो थैंक यू माइनस 266 दैट इज सी एक स्टेप ज्यादा लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये स्टेप लिख लेने का ऑलवेज ठीक है 69.5 प्लस डिवाइडेड बाय 55 इनटू 10 दैट इज 8.227 है तो 23 आपके कैलकुलेटर में चेक करोगे तो 227 आएगा 8.227 तो बट हम लिखेंगे क्या 8.23 दैट इज 77.73 एक चीज याद रखना आप ये चारों में से कोई भी चीज फाइंड कर रहे हो आपका आंसर ये जो क्लास है ना उसके बीच में ही आना चाहिए जो क्लास सिलेक्ट किया है उसके बीच में ही आना चाहिए क्लियर ओके लिख लिया सबने ओ सर दो मिनट हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हो गया ना नव्या सर ये आपने 45 पॉइंट क्या लिखा है 25 ओके सर हो गया ड्रॉप कर दे रहा हूं यस सर चलो नाउ हमारा नेक्स्ट है D4 क्या है D4 4 n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन मतलब 415 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन 415 इंटू 4 अपॉन 10 दैट इज 166 एक मिनट ओके ये हो गया नाउ 166
मैं जिसको बोलू वही आंसर देगा। मिस्टी यस सर, कौन सा क्लास सिलेक्ट करोगे? 166 166 है सर। 149 206 के बीच वाला। और हाँ तो 50 और 59 तो 49.5 to 59.5। थैंक यू मिस्टी। एल प्लस 4n/10 माइनस CFI/FI इंटू सी। एल 49.5। ओके चलो मैं किसी और को पूछ रहा हूँ। हर्षिनी यस सर। हाँ अभी 4n/10 क्या होगा? 4n/10 ऊपर लिखा ही है, देखो ऊपर क्या लिखा है। 166 CFI क्या होगा? CFI होगा 149। वेरी गुड। FI 57 और सी 10। ओके 49.5। थैंक यू हर्षिनी। दैट इज 17/57 × 10। आप अपने आप भी कर सकते हो ये, अभी सबको आ गया, इजी है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। 2.98 डिवाइड करके प्लस मल्टीप्लाई करोगे 2.98। 49.5 + 2.98 52.48। ठीक है लिख लो सर। बोलो सर वो पी 77 है ना जे पी। ओ फाइंड द पी में पी 77 है ना। मानुष तू ज्वाइन हो गया ना? नहीं मानुष नहीं आया, वो चला गया वो। ओके चलो पी 77 करवा ले रहा हूं। (77n/100th observation) पी है यानी 100। 415/100th observation 415 × 77/100 that is 319.55। Rahul 72.79 Wow very good 69.5 to 79.5। Okay now ये हुआ तो L plus 77n/100 minus CFI/FI into C. L 69.5. Now, Nisha. Nisha, ho ke gaye? Yana. ऑडियो ऑन करना। याना अभी क्या होगा? अभी कोई क्वेश्चन पूछो। 26 कैसे आया है? 321 कैसे आया है? 15 कैसे आया है? 13 ये कैसे आया? 77n/100 कैसे आया? तो ये 319.5। हाँ CFI क्या होगा? 321। मैं वापस बोल रहा हूँ याना, ध्यान दो, जो क्लास सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर का CFI लेना है तो क्या होगा? 266 हुआ है, 321 होगा? 266 वेरी गुड।
अपॉन एफ आई क्या होगा 55. यहाँ हमें क्या दिया है ना कि हमने जितने स्टॉकिस्ट को अभी तक स्टॉकिस्ट को ऑडियो ऑफ कर दो अपना59.5 + 9.74 = 79.24. क्लियर? ओके, ये हो गया आपका. जब क्लास इक्वल हो तब की बात है, ठीक है? ये आज हम लोग कितना करेंगे, जितना क्लास इक्वल हो, ठीक है? मैं आपको होमवर्क के लिए 6 सम भेज रहा हूं, ठीक है? जो रात के 9 बजे तक आपको कंप्लीट करके रखने हैं. ये लेक्चर वाले भी होंगे और प्रीवियस लेक्चर वाले भी होंगे. क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो. एक मिनट. नो सर. सिर्फ सेव होमवर्क ही है ना, 6 के सम ही करना है ना सिर्फ. हाँ बोलो, क्या करना है ना? बोलो बोलो. सिर्फ 6 सर, सिर्फ 6 सम करने है ना होमवर्क में. हाँ 6 सम करने हैं. और ये तो आपने लिख लिया, ठीक है? 6 सम हाँ. सिर्फ नहीं है, टाइम लगेगा. लास्ट लेक्चर में जो करवाया था वो भी है और ये लेक्चर वाला भी है. क्लियर? यस सर.